त्रिपुरांतकारी भानु शशी भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु आदित्य नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, शनिवार प्रातः काल ज्योतिष पुंज टीवी लाइव पर आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि हम हर शनिवार के दिन प्रातः काल 9 बजे वैदिक ज्योतिष का बखान करते हैं, गुणगान करते हैं, नमन करते हैं महर्षि पराशर के साथ बाकी भी ऋषियों को, मुनियों को और सर्वप्रथम प्रजापिता ब्रह्मा जी को और साथ ही नवग्रहों को भी, 27 नक्षत्रों को भी, पांचों वारों को भी, पांचों वारों के स्वामियों को भी और पूरी 30 तिथियों को भी, दोनों पक्षों को भी, 27 योगों को भी, 11 करणों को भी और इसी तरह समस्त सृष्टि में व्याप्त जीव जंतु तीनों लोक सभी को नमन करते हुए हम आज की कुछ बातें शुरू करते हैं। मित्रों, पिछली बार हमने, अक्सर मैं कक्षा ही कहूँ, प्रणाम मिश्र जी, प्रणाम, आपका आशीर्वाद है। अगर मैं पिछली बार की बात कहूँ, जो हमारे कंटिन्यूएशन अभी चल रहा है, कुंडली को हम कैसे पढ़ें या कुंडली में कुछ और कितना शक्कर डाल सकते हैं, कितना ताकि उसमें मिठास बढ़ जाए, किस तरह की शक्कर, गुड़, खांड डाल सकते हैं उससे ताकि मिठास और अधिक बढ़ जाए, ताकि उस मिठास बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो लेवल ऑफ प्रिडिक्शन है, फलित है, उसका लेवल और अधिक बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ जाएगा और उसका जो बेस भी ब्रॉड बेस हो जाएगा। तो उसी कार्य को हम बात कर रहे हैं। मिश्रा जी, माफी चाहता हूँ, इसमें कोई प्रश्न ना डालें, कोई प्रश्न की व्यवस्था नहीं है। आप चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर जल्दी से नोट करें, 9818888 5137 9818888 5137। इस पर फीस के साथ आप बात कर सकते हैं, आज चाहें तो 11 बजे के बाद आप बात कर सकते हैं और फीस पहले एडवांस देनी होगी तभी, अदरवाइज इसमें प्रश्न का कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, अब तो उसी कड़ी में हमने पिछली कक्षा में जन्म के समय जातक को कौन सी योनि प्राप्त हुई है, वो ठीक है, मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, जीव जंतु योनि, वो एक चीज है, लेकिन जो मित्र, जो ज्योतिषी विद्वान जानते हैं, विशेषतः विवाह के लिए जब अष्टकूट मिलान करते हैं उसमें एक जो गुण है, 36 गुण है उनमें टोटल हैं और वो अष्टकूट में 8 जो गुण हैं उन 8 गुणों में से 1 से लेकर 8 तक जो उसमें फल मिलते हैं, अंक मिलते हैं, उन अंकों में से एक योनि भी है, अर्थात कौन सा जातक किस योनि में जन्म हुआ है उसका भी निर्धारण किया जाता है, फलित किया जाता है, प्रिडिक्शन किया जाता है। सामान्यतया लोग क्या करते हैं, विद्वान क्या करते हैं, परिपाटी ऐसी चली आ रही है या लोगों ने प्रैक्टिस ऐसी बना ली है कि वह योनि का जन्म तो केवल कंप्यूटर से देख के बता लिया और लेकिन उसको प्रिडिक्शन में यूज नहीं कर रहे। फिर मित्रों, जब हमको पता ही नहीं है कि या हम प्रयोग ही नहीं करते हैं या उसको हम यूज ही नहीं कर रहे किसी तरह से, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि उसको भी हमको एक जो टूल है, एक जो सिद्धांत है, उसको भी ऐड करें, 1+1 हम करते जाएं, तो फिर उसके बारे में बता जाए, तो इन्हीं सिद्धांतों को हम प्रतिपादित करते हैं फलित करने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए हम बात करते हैं। कोई अमन सिंह जी कुछ हाउ लिखते हैं, कुछ जॉब के बारे में बताना। अमन जी, अभी मैंने मिश्रा जी को बताया था कि आप चाहें तो मेरे से संपर्क करके समय लेके मिल सकते हैं फीस के साथ और इसमें कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है, आप कृपया प्रश्नों को पोस्ट ना करें। तो पिछली बार हमने अश्व योनि, गज योनि, गौ योनि, सर्प योनि, श्वान योनि तथा मार्जार योनि के बारे में जाना था। अभी होती कैसी है,
जन्म के समय जो नक्षत्र है उसी नक्षत्र से योनि का निर्धारण भी होता है या उसी तरह निर्धारण होता है जैसे जन्म के समय जो क्षितिज पर जो लग्न उदय हो रहा है वही लग्न उस जातक को मिलता है, उस जातिका को मिलता है ना। ये तो बात ही, तो उसी तरह उस समय ग्रहों का विचरण जैसे हो, ग्रहों का भ्रमण जैसे हो, उसी राशि में उसका ग्रहों को प्लेस कर दिया जाता है। और उसी के बाद इसी तरह से हम बात करते हैं बाकी तथ्यों की, उनको भी जन्म के समय जो नक्षत्र में प्राप्त हुआ है उसी से पता चलता है। अब बहुत से लोग पोस्ट करने लगे, या तो लोग जान के कर लेते हैं या वो देर से जुड़ते हैं, कोई मैरिज पूछता है, कोई जॉब पूछता है, और भी कुछ कोई अंकुर दीक्षित भी पूछ रहे हैं। और तो मित्रों इसमें प्रश्न की व्यवस्था नहीं है। अब आप चाहें तो ज्योतिषमुख टीवी से मेरा नंबर ले सकते हैं, उनमें किसी और विद्वान से संपर्क कर सकते हैं। आप डिटेल पोस्ट करें या ना करें, आप मेरा भी समय खराब करते हैं, अपना भी करते हैं। इसमें कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें प्रश्न का उत्तर दिया जाए। प्रश्न का उत्तर संपर्क करके, मिल के, बात करके या फ़ोन जैसी भी व्यवस्था होगी फीस के साथ होगा। चलिए अब अगली बात करते हैं। हम आज जो दूसरा जन्म के बारे में योनियों की बात कर रहे थे, यदि जातक का स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ हो या हस्त नक्षत्र में लिया हुआ हो, स्वाति या हस्त दोनों में से किसी भी नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो उस जातक को महिष योनि मिलती है। महिष का मतलब क्या है? ताकतवर भैंसा। अब मित्रों अन्यथा ना लें, ऐसा मन में बोझ ना बना दें कि महिष योनि तो भैंसा है, नहीं। महिष का मतलब है ताकत। ताकत कैसा? योद्धा। वो क्या करता है? भैंसा ले जाता है, बुग्गी को भी ले जाता है, लड़ता भी है, भिड़ता भी है भैंसे पर एकदम। जो बाघ है ना वो अटैक नहीं करता, डरता है क्योंकि उसमें ताकतवर है ना, और योद्धा है, उत्साह वाला है। तो उत्साही है और दूसरे का भला भी करने वाला, के भलाई करने वाला है। तो महिष योनि जिसका जन्म स्वाति या हस्त नक्षत्र में हुआ है उसको महिष योनि प्राप्त होती है। और जातक विद्वान, ताकतवर, उत्साही, परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला भी होता ही है। मुझे लगता है अंकुर जी आप बार बार पोस्ट किए जाने इसका मतलब क्या है मैं समझता नहीं हूँ, है ना। आप प्लीज़ बताएं, क्या बताएं? इसमें कुछ नहीं बताया जाएगा, केवल इसमें हम जो ये विशेषतः क्लास भी कक्षा भी ज्योतिषियों के लिए है, वो ज्योतिष के विद्वान हो, प्रकांड विद्वान हो या ज्योतिष पढ़ रहे हो विद्यार्थी हो, ये बेसिकली उन्हीं के लिए है। ये खाली कोई क्वेश्चन पे पोस्ट कट पेस्ट करने के लिए, इसमें क्वेश्चन की व्यवस्था नहीं है। आप अन्यथा अपना समय भी जाया कर रहे हैं, मेरा भी जाया कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार पोस्ट ना करें, बार बार गुरु जी बताए ना लिखें, प्लीज़ टेल ना लिखें, ये सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है। अजीत ठाकुर जी आपको भी आशीर्वाद है, नमस्कार है, प्रणाम है, भगवान आपका सब कुछ भला करे। फिर वो कुछ मैरिज के लिए कोई पोस्ट करे, चलिए अब मैं उसको नहीं देखूँगा। दूसरे योनि हम लेते हैं, यदि मघा नक्षत्र में जन्म हुआ हो या पूर्व फाल्गुनी में जन्म हुआ हो तो उस जातक को मूसक योनि प्राप्त होती है। मूसक योनि कैसी होती है? मूसक मीन्स गणेश जी का वाहन चूहा। वो देखिए आज के समय में देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार सबके अलग अलग फल हैं, लेकिन फिर भी जिस जातक जातिका को मूसक योनि प्राप्त हुई है, यदि उसने पूर्वा फाल्गुनी या मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो जातक जातिका बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं, तत्पर। चूहा कैसे तत्पर? देखो उसको खतरे का अंदेशा हुआ, बिल में छुप जाता है, सावधान है वो, अलर्ट होते हैं बिल्कुल, और वो विश्वास नहीं करते किसी पर भी। वो विश्वास सेल्फ मेड है, अपने आप पर विश्वास करने वाले हैं, अपने कर्म पर विश्वास करने वाले, अपने मर्म पर, अपने धर्म पर विश्वास करने वाले हैं। ऐसे जातक जातिका जिनका मघा या पूर्वा फाल्गुनी में जन्म हुआ है उनको मूसक योनि प्राप्त होती है। वह उनका व्यवहार होता है। अब इनका प्रयोग कब करना है? जब हम फलित करते हैं ज्योतिषियों के लिए। सामान्य जन को तो कुछ अटपटा लग सकता है, उसको खुशी, उसको परेशानी ऐसी आ सकती है, लेकिन सामान्यतया इसके फल इनका विश्लेषण करने के लिए या उसी तरह ज्योतिष का विधा है मित्रों, जैसे कोई भी चाहे उसको एक्सरे रिपोर्ट हो, पैथोलॉजिकल टेस्ट हो या और कोई भी टेस्ट हो, वो उसको क्या लिखते हैं उसमें अल्टीमेट, शुड बी कोरिलेटेड क्लिनिकली। ये सामान्य के लिए नहीं, जो उस विधा को जानता है,
जो एलोपैथी आयुर्वेद होम्योपैथी को जानता है उसके लिए वो टेस्ट की रिपोर्ट है, उसका मतलब नहीं। सामान्य के लिए मतलब क्या है, ब्लड शुगर कितनी है, कार्डियक पल्स कितना चल रहा है, उसका ब्रीदिंग लेवल क्या चल रहा है, क्या सामान्य जन हर कोई कर, ये तो छोटी सी बात थी। और कोई इस तरह की सीरियस बीमारी भी हो जाए तो कौन देखता है उसको, जो उसका मास्टर है। तो ये जो बातें भी हम कर रहे हैं, जो तथ्यों की बात करते हैं, ये वास्तव में ज्योतिषियों के लिए है, जो ज्योतिष के विद्वान हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की इस विधा को अपनाने में, ग्रहण करने में, गुरुओं से, विद्यालयों में किसी भी तरह के हों, तब उनके लिए यह बहुत ही एक सोने पर सुहागे का काम करता है। तो ये बात उन्हीं के लिए हो रही है। आज तो मुझे लगता है बहुत से लोग जानबूझ के कुछ कर देते हैं, कोई रिनिका भी बात कर रही हैं, वो भी भेजते हैं कुछ कुछ चीज़ें। तो मित्रों, इसमें कोई क्वेश्चन की प्रोविजन नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। और अब मैं ज्योतिषपुंज टीवी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन भेजते हैं उनको या तो हटाया जाए या कुछ बात की जाए, कहीं ना कहीं इसमें व्यवधान उत्पन्न होता है। चलिए अब जो अगला, क्योंकि हम बात करते हुए भटक जाते हैं, थोड़ा सा समय हम आधे घंटे का समय लेते हैं और इसमें 10-5 क्वेश्चन का आंसर मैं दूं या आपको रिप्लाई ही करता रहूं, फ़ोन नंबर ही बताता रहूं, तो उससे डिस्टर्बेंस होती है। एक बार कह देने से मुझे लगता है बात समझ में आनी चाहिए अगर आप लाइव हैं, क्योंकि बताने के बाद भी आपका नाम लेके बता के भी आप फिर पोस्ट करते हैं क्वेश्चन, तो इसका मतलब कुछ कुछ अन्यथा लगता है, क्योंकि ज्योतिषी हूँ, भगवान ने विधा बताई है, बात समझ में तो आती है। चलिए, मनसा का भी पता चलता है। चलिए, अब जिस जातक जातिका को जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है, पूर्वा भाद्रपद या धनिष्ठा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, उस जातक जातिका को सिंह योनि प्राप्त होती है। सिंह राशि भी है, सिंह योनि भी है। सिंह योनि का क्या, सिंह का क्या मतलब, ताकतवर शेर है, बलिष्ठ है, जंगल का राजा है ना, बहुत बलवान है, कोई भी डरता है सिंह से। ठीक है, शेर को सवाशेर मिलता है, वह कहना भी है, वह कहावत भी है, लेकिन सिंह का मतलब बलिष्ठ है। धनिष्ठा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ हो, सिंह योनि उसको मिलती है। तो जो बलिष्ठ है, ताकतवर है, वो क्या करता है, भरण पोषण करता है। बच्चे का पैदा होते ही सिंह उन बच्चों के लिए उनके भोजन की व्यवस्था कर लाता है, कहीं से जो भी उनके लिए भोज्य पदार्थ हैं, मैं पदार्थ का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो भी उनके लिए भोज्य पदार्थ हैं उनका वह इंतजाम करता है। वह ऐसा जातक जातिका जिसका सिंह योनि में जन्म हुआ है, वह भी अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए भोजन का व्यवस्था करने वाला, अर्थात मदद करने वाला, पोषक जिसको कहते हैं, वह होता है। और जब ताकतवर है, ताकतवर क्या करता है, बलशाली जो है, बलिष्ठ क्या करते हैं, वह देने की स्थिति में है। अमेरिका को देखिए, कुछ भी देने की स्थिति में है। रशिया के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रांस जो एडवांस कंट्रीज है, हमारे पास भी कुछ देने के लिए है। हमारे पास विशेषतः मेरे पास देने के लिए यही विद्या है, यह विद्या है, क्योंकि मैं इसी का पुजारी हूँ, तो यही मैं दे पाऊँगा ना। तो वह जातक जातिका धार्मिक भी होते हैं, धर्मात्मा भी होते हैं, अच्छे विचारों वाले, अच्छे गुणों वाले, अच्छे व्यवहार वाले, सदाचारी, सद्गुणी, कुटुंब के पोषक, ऐसे जातक जातिका होते हैं। और बलिष्ठ तो होते ही हैं, क्योंकि सिंह है, तो सिंह योनि है। इस तरह से आज कुछ व्यवधान भी हुआ, कुछ फोन भी आया बीच में, स्टार्ट करते भी राहु महाराज लगता है थोड़ा सा साथ देर से दिया, इसलिए कनेक्टिविटी भी पूरी नहीं हो पाई। और क्वेश्चन भी बहुत से पोस्ट कर दिए गए, अभी भी कुछ क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, कोई हरमीत कौर भी दे रहे हैं, धालीवाल जी भी कुछ दे रहे हैं। तो मित्रों, क्वेश्चन ना पोस्ट करें, आप चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर 9818885137 पर बात कर सकते हैं, लेकिन बात या संपर्क फीस के साथ होगा। मित्रों, फ्री का काम मेरे पास नहीं है। कोई राहुल राज लगता है अभी जुड़ गए, वो अभी फिर देख रहे हैं, या पहले भी कभी उन्होंने क्वेश्चन पोस्ट किया हो। अब आज इतनी बात इतनी, आने वाले शनिवार के दिन हम बाकी योनियों की बात भी करेंगे, उनके जन्म फल की बात भी करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।